तो बड़ी खबर है जहां पर यूपी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ी है और तीन शहर ऐसे हैं आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर जहां पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। बीती रात ये मुठभेड़ हुई है और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक 25,000 का जो इनामी बदमाश है उसको भी गोली लगी है पुलिस की। एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, आजमगढ़ में एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है और आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जो आजमगढ़ में हुआ है उसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। सहारनपुर में भी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने धर दबोचा है। तो ये बड़ी कार्रवाई अमांद्रा यूपी पुलिस ने की है बदमाशों के खिलाफ तीन शहरों में बीती रात को। शुक्रिया ज्योति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा भी जुड़ गए हैं। पंकज, यानी इस साल भी अपराधियों के खिलाफ यूपी में देखने को मिलेगा ऑपरेशन ऑल आउट? जी हाँ बिल्कुल। और बीती रात देखिए तीन अलग अलग शहर, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना शहर गोरखपुर में भी बीती रात पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें ये अपराधी घायल हुआ है, हालांकि इसको एक अपराधी पकड़ने में कामयाब रहा। आजमगढ़ में इससे पहले भी कई पुलिस इनकाउंटर हुए, बीती रात हुआ है। सहारनपुर में भी बीती रात इस तरीके से पुलिस मुठभेड़ हुई है। और अमांद्रा, जब से योगी सीएम बने तब से अब तक करीब 31 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और खास तौर से कोहरे में इस तरह की बहुत घटनाएं होती है, इसीलिए रात में पुलिस कॉलिंग के लिए और पुलिस की गश्ती पर जोर दिया जा रहा है जिसमें भागते हुए तीन अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई बीती रात। जी पंकज, और क्या जानकारी मिल रही है, ये मुठभेड़ क्या इन तीनों शहरों में खत्म हो चुकी है? हाँ, तीनों शहरों में ये मुठभेड़, पुलिस की जो मुठभेड़ थी जिसमें अपराधियों के साथ उनकी गोलीबारी भी हुई है, एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है गोरखपुर में, आजमगढ़ में भी एक घायल हुआ है। ये तीनों पुलिस मुठभेड़ जो बीती रात हुआ वो पुलिस मुठभेड़ खत्म हो चुकी है अमांद्रा। जी पंकज, लेकिन ये जो इनामी बदमाश जिसको धर दबोचा गया है सहारनपुर में, इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए ऐसा है कि सब जगहों पे एक लिस्ट बनाई गई जिसमें 10,000 से लेकर के 5,00,000 तक की इनामी बदमाशों की लिस्ट बनाई गई है। जब योगी सीएम बने उस लिस्ट में से सारे अपराधियों पर पुलिस लगी हुई है, मुखबिर से जो सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई होती है। सहारनपुर के बारे में पता चला था, पिछले महीने ही एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस इसकी तलाश में थी, उसके बाद मुखबिर से जानकारी मिली कि आज ये घटना करके जा रहा है और फिर पुलिस ने उसको रोका वहां पे और दोनों के बीच में फिर क्रॉस फायरिंग भी हुई। जी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।